Top dielectric. On capacitance, potential, charge, energy per unit volume, सारी चीजों पे इसका इफेक्ट या इफेक्ट निकाला जा सकता है. देखते हैं कैसे निकालेंगे. ठीक है, कंडीशन वन है फर्स्ट सिचुएशन की, जब आपका कैपेसिटर है ये कैपेसिटर है आपका, सपोज इस पे ये बैटरी लगी हुई है और आपको इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को फिल करना है इसके बीच में, तो दो सिचुएशन बन सकती है. पहला सिचुएशन ये है कि बैटरी को ऑन रखो, यानी बैटरी को कनेक्ट करते हुए वो डाइलेक्ट्रिक फिलअप करो, और दूसरा है बैटरी को रिमूव करके डाइलेक्ट्रिक फिलअप करो. ठीक है, दो सिचुएशन है बस. अगर ये दो बातों को अच्छे से समझ ले तो इससे जुड़ी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. देखो, बैटरी को ऑन करके अगर आप रखोगे, तो बी कांस्टेंट रह जाएगा. अगर बैटरी को ऑफ करके करोगे तो क्यू कांस्टेंट हो जाएगा. बस इतनी सी बात ध्यान में रखोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी. तो लिखो, केस वन, व्हेन डाइलेक्ट्रिक फिल्स, व्हेन द When the dielectric fills the space completely and battery remains connected and battery remains connected. तो जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड होगा तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस R पोटेंशियल डायरेक्टली लिख लो, रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट. दैट इज बी इक्वल टू बी जीरो ही रह जाएगा. अब अगर पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट है तो बाकी चीज चेंज क्या होगी, C इक्वल टू क्यू बाई बी फार्मूला होता है. ठीक है, तो B इक्वल टू सी इंटू क्यू हो जाएगा. और आपको पता है, पीछे आपने पढ़ा था कि जब भी डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, C बाई क्यू, क्यू बाई सी. तो अगर C बढ़ जाएगा तो क्यू को भी बढ़ना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है, एंड कैपेसिटेंस या कैपेसिटी इंक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज सी न्यू बिकम्स के टाइम्स ऑफ टी जीरो. ये हमने पीछे ड्राइव करके डेरिवेशन करके देखा हुआ था. ठीक है, तो बचा क्या, तीसरा पॉइंट चार्ज बचा. अब चूंकि हमको पता है बी कांस्टेंट है तो बन जाता है ये क्यू बाई सी, बन जाता है सी इक्वल टू क्यू बाई बी होता है. ठीक है, बी कांस्टेंट है और सी आपका के टाइम बढ़ गया है, तो इसको कांस्टेंट होने के लिए इसको भी के टाइम बढ़ना पड़ेगा. ठीक, वंशवी,
चाहो तो इसको इस फार्मूले से निकाल भी सकते हो, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू बी हो जाएगा। C की जगह पे आप K C 0 रख दो, B की जगह पे B 0 हो जाएगा, और आपको पता है K C 0 B 0 आपका Q 0 हो जाएगा, Q भी K टाइम्स आप Q 0 हो जाएगा। ठीक, लिख दें इसको, इसको लिख दो, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटी बढ़ गई तो चार्ज बढ़ना ही बढ़ना, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर आल्सो इंक्रीज बाय ए फैक्टर आपके, दैट इज न्यू क्यू विल बिकम के क्यू जीरो। ठीक, ठीक है, ओके। हाँ बोलो, K0 Q0 क्या है सर? ये आपका C0 B0 Q0, ये इनिशियल कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज है, क्या है, ये इनिशियल वैल्यूज है व्हेन देयर इज नो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, व्हेन देयर इज नो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, C0 B0 Q0 क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्जेस है व्हेन देयर इज नो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन दी प्लेट्स। आइए, DCQ है कब, जब इनके बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिलअप कर दिया जाए। ठीक, बात समझ आ गई। अब देखो, बी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि E इक्वल टू बी बाई डी होती है, तो ना तो डिस्टेंस चेंज हुआ है और ना बी चेंज हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड E ब्रैकेट में लिख दो बी बाई डी, जब दोनों चेंज ही नहीं हुआ तो भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिमेन्स अनचेंज, दैट इज जो नया ई होगा वो E0 के इक्वल ही रह जाएगा। इनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हो जाएगा, तो यू का फार्मूला होता है हाफ सीवी स्क्वायर, बी कांस्टेंट है, सी के टाइम बढ़ गया है तो के टाइम इंक्रीज कर जाएगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आल्सो इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर आपके, दैट इज यू इक्वल टू के यू जीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यू इक्वल टू होता है हाफ सी बी स्क्वायर। अब देखो, हाफ सी की जगह पे के सी जीरो रख सकते हैं, बी की जगह पे बी जीरो ही है, ये हो गया, के बाहर कर दो, हाफ C0 B0 स्क्वायर आपका U0 बन जाएगा, तो Q इक्वल टू के U0 हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड भी निकल के टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सही, यहाँ पे डी क्या है? डी ये वाली डिस्टेंस होती है, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस होती है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये वाली डिस्टेंस है। ठीक,
ठीक है। तो आपने जो ये बना के दिया हुआ है पॉइंट नंबर थ्री देखो अपने, इसमें इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया हुआ है ना, कैपेसिटर चार्ज एंड विदाउट डिस्कनेक्टिंग डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन इट। सर खाली ई को सही कर लेना, बाकी सारा सही है। सी इंक्रीज करेगा, क्यू इंक्रीज करेगा, बी कांस्टेंट रहेगा, यू इंक्रीज करेगा और स्मॉल यू भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि स्मॉल यू कैपिटल यू बाई बी ही तो होता है ना। ठीक है, ओके। पहला केस समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बस खाली इस पॉइंट का ध्यान में रखोगे कि बैटरी हटा दी गई या नहीं हटाएगी, बाकी सारा चीज आपको अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तीन ही क्वांटिटीज हैं, सी बदलेगा तो चाहे बी बदले चाहे क्यू बदले, बी कांस्टेंट है तो क्यू और सी चेंज होगा, सी इंक्रीज करेगा तो क्यू इंक्रीज करेगा, अगर क्यू कांस्टेंट कर दिया है आपने तो बी बदलेगा और सी बी बदलेगा तो सी बी में परिवर्तन होगा, तो सी इंक्रीज करेगा तो बी डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है व्हेन डाइलेक्ट्रिक फिल्स द स्पेस कंप्लीटली एंड द बैटरी डिस्कनेक्टेड। व्हेन डाइलेक्ट्रिक फिल्स दी स्पेस फिल्स दी स्पेस एंड कंप्लीटली एंड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर को आपने एक बार चार्ज कर लिया पहले, ठीक है, इसको आपने चार्ज कर लिया, चार्ज करने पे क्या हुआ, इस पे चार्ज क्यू आ गया, चार्ज किया आपने जब इसको तो चार्ज करने पर इस पे आपका चार्ज आ गया क्यू जीरो, और इसका कैपेसिटेंस उस टाइम है सी जीरो और आपका पोटेंशियल था बी जीरो। फिर आपने क्या किया, आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज इसमें जितना था उतना ही रह जाएगा, चार्ज जितना था उतना रह जाएगा। फिर आपने इसकी फिलिंग स्टार्ट की, क्योंकि आपने इसकी कंप्लीटली फिलिंग स्टार्ट की इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू जीरो ही रह जाएगा, बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो लिखो क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हाँ, क्योंकि आपने बैटरी हटा दी है, तो बैटरी हटा दी तो जो चार्ज था इस पे वही चार्ज रह जाएगा। ठीक है, ओके, तो लिखो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, बैटरी हट चुकी है, चार्ज ऑन प्लेट रिमेन कांस्टेंट सिंस बैटरी इज रिमूव, दैट इज नया क्यू जो होगा वो क्यू जीरो के इक्वल ही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अब अगर डाइलेक्ट्रिक आपने डाला है तो कैपेसिटेंस सेम रहेगा। कैपेसिटी तो इंक्रीज ही करनी है ना,
कैपेसिटी तो इंक्रीज करनी, पीछे फार्मूला हमने ड्राइव किया, कैपेसिटी इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ के, दैट इज न्यू कैपेसिटी हो जाएगी के टाइम्स ऑफ सी जीरो। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा ये, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सी होता है, तो डिफरेंस डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ के, दैट इज B न्यू बन जाएगा B जीरो बाई के। इसको ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे, Q जीरो आपका सेम रहना है, ये बन जाएगा आपका Q इक्वल टू C इंटू बी होता है, C इंटू बी हो जाएगा, B निकालना है आपको, ठीक है, Q जीरो ही रह जाएगा, B निकालना है आपको, ठीक है। तो B निकालना, तो B इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, B इक्वल टू लिख सकते हो Q, तो Q जीरो रहेगा बाई C हो जाएगा, C की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू होता है K इंटू सी जीरो, वन बाई के को बाहर कर दो, क्यू जीरो बाई सी जीरो की वैल्यू बी जीरो हो जाएगी, तो के टाइम डिक्रीज कर जाएगा ये, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर, जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो ये तो बहुत श्योर हो गया कि V तो हमारा डिक्रीज होगा, तो सर अगर हम इस फॉर्मूले में Q इज इक्वल टू सी वी डालेंगे तो Q तो कांस्टेंट है और V डिक्रीज कर रहा है, तो सर C कांस्टेंट नहीं आना चाहिए? ना ना, देखो C तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये आपको पता है, आपने ड्राइव किया हुआ था पीछे, पीछे आपने ड्राइव किया है कि अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो आपका कैपेसिटेंस जो होगा वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये आपको नोन है। आपको कंडीशन के हिसाब से क्यू या बी में से एक कांस्टेंट मिलेगा और दूसरे को सी के रिलेशन में चेंज होना पड़ेगा। ओके सर, ठीक, ये फैक्ट है, ये आपने ड्राइव किया है पीछे, ठीक है, दिस इज ड्राइव, हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है इसको, ठीक है, कि अगर कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। बाकी बी और क्यू में आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बैटरी जुड़ी है तो बी कांस्टेंट, नहीं जुड़ी है तो क्यू कांस्टेंट, और उसके हिसाब से चूंकि तीन क्वांटिटी में एक कांस्टेंट हो गया है, दूसरी चेंज हो गई है, तो तीसरा इस तरीके से चेंज होगा कि इसके जो चेंज है उसको न्यूट्रलाइज कर पाए वो, ठीक है। हो गया, हटा दे, अब देखो फील्ड चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, इसको हटा दे यहां से ना, बी चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, और कितना हो जाएगी, क्योंकि बी आपका डिक्रीज कर गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ कैपिटल के, दैट इज नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 बाय के टाइम, एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी होता है आपका, एनर्जी होता है आपका कितना होता है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर होता है ना, हाफ सी बी स्क्वायर होता है, सी इंक्रीज किया के टाइम, बी डिक्रीज किया के टाइम, नीचे स्क्वायर आएगा तो के टाइम डिक्रीज कर जाएगा, तो एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ के, दैट इज क्यू विल बी यू जीरो बाय के,
कैसे निकालेंगे, तो यू इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सी की जगह वैल्यू रख दो के सी जीरो, बी की जगह वैल्यू रख दो बी जीरो बाई के का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो के की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा वन बाई के, वन बाई के हाफ सी बी स्क्वायर, सी जीरो बी स्क्वायर, ये बन जाएगा यू जीरो। ठीक है, पॉइंट नंबर फाइव है, इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया, पहले क्या किया गया, इसको चार्ज किया गया, चार्ज करने बाद में इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, और क्या किया गया, इसके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया। तो पहले ये डी था, डी जीरो था, और अब इसको टी बना दिया गया, क्या बना दिया गया, टी बना दिया गया, डी बना दिया गया। ठीक है, इसको डी बना दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस पे जो चार्ज है वो क्यू जीरो ही रह जाएगा। अब कैपेसिटेंस सी का फार्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, है ना, एप्सिलॉन ए बाई डी। तो अब अगर आप मान लेते हैं इसको के टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, कितना टाइम, डी इक्वल टू के डी जीरो कर दिया गया, के डी जीरो कर दिया गया, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ए के डी जीरो कर दिया गया, ये डी जीरो आपका बन जाएगा सी जीरो, तो सी इक्वल टू बन जाएगा सी जीरो बाई के। ठीक है, क्यू कांस्टेंट है, सी आपका डिक्रीज हुआ है तो बी आपका इंक्रीज हो जाएगा, सी डिक्रीज हुआ तो बी इंक्रीज हो जाएगा, अब बी इंक्रीज हो गया है, कितना बी इंक्रीज हुआ है, के टाइम B बन गया है K टाइम्स ऑफ P जीरो, और नया D बन गया है K टाइम्स ऑफ D जीरो, तो E इक्वल टू होता है, क्या होता है, E इक्वल टू B बाई D होता है। तो B की जगह K B जीरो, B की जगह K D जीरो रखोगे, ये वैल्यू हो जाएगी E जीरो, K K कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक, कैपेसिटर डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है, अब चूंकि पोटेंशियल इंक्रीज किया के टाइम, और क्यू में हाफ सी बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर एक पावर ज्यादा है, तो ये के टाइम क्यू इंक्रीज कर जाएगा, क्यू इक्वल टू के टाइम क्यू जीरो हो जाएगा, उसी तरीके से स्मॉल यू भी के टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, ठीक है बेटा, तो पॉइंट नंबर फाइव में आप यू को सही कर लो, यू को करेक्ट कर लो, यू भी इंक्रीज कर जाएगा, भी इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखो व्हाट अबाउट स्मॉल यू, स्मॉल यू बाई वॉल्यूम होता है। अब देखो इसका डायमेंशन के टाइम चेंज हुआ है, तो इसका वॉल्यूम के टाइम चेंज हो जाएगा, तो ये आपका के यू जीरो हो गया था, और ये भी के भी जीरो हो जाएगा, तो के कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यू जीरो रह जाएगा, तो स्मॉल यू आपका अनचेंज हो जाएगा, कैपिटल यू आपका के टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट इसमें और नोट कर लेते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ
picking up a drop of a charge Q0 and radius R0 into n smaller drops. क्या होगा इसमें, क्या रिलेशन होगा? इफ ए ड्रॉप इज स्प्लिट इनटू एन into n smaller drops, each having charge Q potential V capacitance C and electrostatic potential energy U. Then तो जो पहले वाली ड्रॉप थी उसका पोटेंशियल एनर्जी बी जीरो, एनर्जी यू जीरो, सारा उसका यू जीरो हो जाएगा, ध्यान रखेंगे. देन फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड, जो चार्ज होगा वो एन टाइम हो जाएगा क्योंकि एन टाइप पे डिवाइड हो गया तो क्यू जीरो बाई एन हो जाएगा. जो कैपेसिटेंस होता है वो सी जीरो डिवाइड बाई अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट एन हो जाता है, एन का पावर 1/3 हो जाता है. ठीक है, एन का पावर 1/3 हो जाता है. इसका रीजन ये होता है क्योंकि सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी या स्फेरिकल में जाते हैं तो वहां पे आपको आर में रिलेशन मिल जाता है. ठीक है, 4πr³ हो जाता है तो इसलिए एन टाइम में चला तो ये रिलेशन बनेगा आपका. तो अभी के लिए इसको ऐसे लिख लेंगे कि C इक्वल टू सी जीरो अपॉन एन पावर 1/3 हो जाएगा. तो Q चेंज हो गया, C चेंज हो गया, तो B भी आपका चेंज हो जाएगा. B कितना हो जाएगा, B बन जाएगा B जीरो, ये देखो 1 है ये 2 है, तो B इक्वल टू सी बाई क्यू हो जाता है 1, 1 माइनस 1/3 तो 2/3 में पावर हो जाएगा, एन पावर 2/3 हो जाएगा. ठीक है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा बन जाएगा आपका सिग्मा जीरो अपान सिग्मा एन पावर 1/3, एन पावर 1/3 हो जाएगा. जो आपकी एनर्जी है ई वो ई जीरो अपान एन पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगी, और जो आपका यू है वो यू जीरो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है ये एन पावर ये 5/3 बन जाता है. ठीक है, ये 5/3 बन जाएगा. ठीक है, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. मान लेते हैं कि अगर n छोटे छोटे ड्रॉप लेके एक बड़ा ड्रॉप बना ले तो उसका q उसका n टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, q n टाइम्स हो जाएगा. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो n पावर
देखो यहाँ पे 2/3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के वहां पे, ठीक है, एन पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये ऐसे उल्टा मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो हमें छोटे छोटे ड्राफ से बड़े ड्राफ वाला सिचुएशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक हमने लिखा दिया, एक इसका रिवर्स हो जाएगा तो वो मिल जाएगा आपको। मतलब आपको फिर दोबारा से क्यू जीरो निकालना है तो n टाइम्स q हो जाएगा, c जीरो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रहेगा।